हेलो गर्ल्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू एसे। एसे मतलब होता है निबंध। आप बेटा, हमने हिंदी में भी किए हैं और इंग्लिश में भी। हम कर रहे हैं काउ पे, COW। काउ मतलब होता है बेटा गाय। हम गाय पर एसे लिख रहे हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि उस पर 5 लाइन्स लिख रहे हैं। बिकॉज यू आर स्मॉल किड्स, आप छोटे बच्चे हैं, इसलिए हम छोटा छोटा सेंटेंस लिख रहे हैं, 5 लाइन्स उस पर लिख रहे हैं। आप बड़े होंगे तो थोड़ा बड़ा लिखेंगे। नंबर 1, PH द काउ, COW काउ। काउ मतलब गाय। ईज, IS ईज। अ पेट, PET पेट। पेट मतलब पालतू। एनिमल, ANIMAL एनिमल। गाय एक पालतू जानवर है। इट, IT इट। इट्स, EATS इट्स। इट्स मतलब खाना। ग्रास, GRASS ग्रास मतलब घास। गाय क्या खाती है? घास। गाय खाती है ग्रास। इट इट्स ग्रास, खाती है ग्रास। नेक्स्ट है IT इट। Gives, GIVES gives us, US us milk, MILK milk। गाय gives मतलब देना और milk मतलब दूध। गाय हमें क्या देती है बेटा? गाय हमको milk देती है, गाय हमको दूध देती है। सब दूध पीते हैं ना? दूध पीने से हेल्दी वेल्दी रहते हैं। नेक्स्ट है it। Has, HAS has 4, FOUR 4, 4 मतलब 4। Legs, LEGS legs, legs मतलब पैर। आप S इसलिए लगाया है कि उसके 4 पैर होते हैं, इसलिए S लगाया। एक पैर होता है तो S नहीं लगाते। It has 4 legs, गाय के कितने पैर होते हैं? 4। Next है it has, HAS has 1, ONE tail, TAIL tail, tail मतलब पूंछ। तो गाय की क्या होती है? एक पूंछ होती है। तो हमने क्या किया आज? अपने गाय पर, काउ पर ऐसे लिखा। अब आप उसको फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए, लिख लीजिए। द काउ इज अ पैट एनिमल। आप बार बार काउ नहीं लिख के, हम उसकी जगह इट लिख रहे हैं। इट ईट्स ग्रास, खाए घास खाती है। इट गिव्स अस मिल्क, वो दूध देती है। इट हैज 4 लेग्स, उसके 4 पैर होते हैं। इट हैज 1 टेल, उसकी एक पूंछ होती है। 2 हॉर्न्स होते हैं, 2 आईज होती है। पर बेटा, यू आर सो स्मॉल, तो हमने बस ये छोटे छोटे 5 सेंटेंस लिखे हैं। यू रीड इट, लर्न इट एंड राइट इट।